स्वागत करती हूं आपका केकेआर न्यूज में। जबलपुर के नगर निगम संभाग क्रमांक 9 में सफाई कर्मचारियों को न वेतन मिल रहा न पीएफ की कटौती हो रही, इसे लेकर सफाई कर्मचारियों ने निगम कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने आयुक्त के नाम दिए गए ज्ञापन में 2 महीनों के वेतन के साथ पीएफ कटौती की मांग की है। उनका कहना था कि उन्हें ना तो पिछले 2 महीनों से वेतन मिला है और ना ही पीएफ का कुछ पता है। कर्मचारियों ने समय पर वेतन और पीएफ कटौती की मांग की है और ऐसा ना होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। अभी फिलहाल में नया टेंडर हो गया है जिस तो एचएस कंपनी है, इनका ऑनर है, इनके द्वारा पीएफ की राशि सालों साल से रुकी हुई है और इनका 2 महीने का वेतन रुक गया है, तो इसके कारण से क्या है। नमस्कार भैया। नमस्कार। अरे जी सर, बस काफ़ी पैसा रुका हुआ है सालों साल के, तो उनको पेमेंट करने से पहले हमने अपर आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन के माध्यम से ही बताया कि आज लाल मट्टी जोन क्रमांक 9 में सफाई कर्मचारी वहां पर कार्यरत कार्य करते हैं, लेकिन वहां पर उनको 2 महीने की पेमेंट अभी रोकी गई है, उनको सालों साल का पीएफ अभी नहीं मिला है। कुछ लोगों को आधा पीएफ मिल गया, कुछ लोगों को आधा बकाया है। बस यही हमारा एक आग्रह का कि नगर निगम आयुक्त से कि सफाई कर्मचारियों को जितना बकाया पीएफ है उनको विधिवत पूरा मिल जाए और उनकी जो 2 माह की पेमेंट जो रोकी गई है एचएस कंपनी के द्वारा वो भी पेमेंट जल्द से जल्द दिलाई जाए। अगर नगर निगम आयुक्त द्वारा हमें कर्मचारियों को पीएफ की राशि और 2 महीने का वेतन नहीं मिलता है तो हम यहाँ काम बंद का हड़ताल कर यहाँ पर उग्र आंदोलन करेंगे। दीपक नाहर, जिला मंत्री भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा जबलपुर। द्वारका नगर वार्ड नंबर 46। तो मैं भाई आज काम में नहीं गई हूँ, कल भी नहीं गई हूँ, क्योंकि मेरे को 2 महीने से पेमेंट नहीं हुआ है और मैं बहुत परेशान हूँ। तो मुझे सुपरवाइज़र धमकी देता है कि यदि काम में नहीं आएगी तो निकाल दिया जाएगा, और मैंने कोरोना में काम किया है, पूरे कोरोना में सर, पूरे कर्मचारी हम कुछ नहीं चाहते सर, यही चाहते हमारा 2 महीने की सैलरी हो जाए और हमको हमारी रोजी रोटी मिल जाए, और हम कुछ नहीं चाहते इससे ज़्यादा। हम अपना काम करेंगे सर, हम तो काम में इसलिए नहीं गए कि हमको 2 महीने से पेमेंट नहीं हुआ, हमको नए ठेकेदार से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हमको पेमेंट थोड़ी बढ़ा के दी जाए सर, 6,000 में हमारा गुजारा नहीं होगा। हमारा क्या नाम है आपका? निर्मला करोसिया। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।